हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे? उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो आज हम सोचे कि आज हम आप लोगों को अपने छत के ऊपर से जहाँ तक हो सके नज़ारा दिखाते हैं। कैसा दिखता है हमारे छत के ऊपर से सिमडेगा का नज़ारा बोले तो खैरन टोली, ठीक है? पूरा देखना, वीडियो स्किप मत करना। चलिए देखते हैं वीडियो। हम लोग का टोटल 3 फ्लोर का है, छत है। तो चलिए दिखाते हैं जहाँ तक दिखेगा, दिखाते हैं कहाँ तक दिखेगा नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक दिखता है दिखाते हैं। ये रहा मैदान खुला, जिसमें बच्चे लोग क्रिकेट फुटबॉल सब खेलते हैं। हाँ, पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है ना, तो पेड़ के उस सामने में पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पहले तो हम आप लोगों को ये दिखा देते कि मेरे छत के ऊपर रखा हुआ क्या क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेंटेक्स है, 1000-1000 लीटर का, यानी कि 2000 लीटर दोनों को मिला करके। और इधर चलते हैं, इधर भी 2 सेंटेक्स रखा हुआ है 1000-1000 लीटर के, यानी कि 2000-2000 उस साइड और 2000 इस साइड, यानी कि टोटल 4000 लीटर पानी रोज खपत होता है हमारे घर में। और ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइल्स नीचे लगा था तो कचरा ऊपर ही फेंकाता था, इसीलिए यहाँ पे जमा है इसी, और वैसा कुछ नहीं। अभी नीचे में ये सामने बड़ा वाला बिल्डिंग बन रहा है, कह रहे कि ये वाला बिल्डिंग बन रहा है, दोनों का काम चालू है। ये रहा हमारा नीचे का, तनवीर भाई का घर है ये। वो जो सामने देख रहे हैं आप, सामने उस साइड, उसको बोलते हैं चट्टान मोहल्ला। और इस साइड चला जाएगा तो इधर हो जाता है स्कूल मोहल्ला, हो जाता है जिसको हम लोग स्कूल मोहल्ला, और स्कूल मोहल्ला के पीछे जिसको बोलते हैं तमड़ा मोहल्ला। अक्सर जिसका छोटा घर होता है वो अपना छत को अच्छा खासा यूज करता है कपड़े सुखाने में। आप देख सकते हैं वहाँ भी लोग कपड़े सुखा रहे हैं, यहाँ भी सुखाया हुआ है। लेकिन हम लोग का जो छत है बड़ा है, और हम लोग सबसे नीचे रहते हैं, समझो कि ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते हैं और 3rd फ्लोर तक है ना, तो कोई ऊपर नहीं आता, आलस की वजह से नीचे ही सब कुछ काम हो जाता है। तो हम लोग इस छत को अपना कपड़ा सुखाने के लिए फिर कुछ भी यूज़ नहीं लाते, कभी यूज़ ही नहीं हुआ इस छत हम लोग के लिए। इधर सब बच्चे लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर भी मैदान नहीं है, बस वो घर का ये जो बाउंड्री अभी तक नहीं किया, जिस दिन बाउंड्री कर देगा तो फिर यहाँ पर लोग खेलने नहीं सकेंगे। अभी जब तक बाउंड्री नहीं किया हुआ तब तक ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जगह का, है ना। लट्टू खेलते हैं, अंटा खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, सब कुछ खेल लेते हैं यहाँ पे बच्चे लोग। एकदम सबसे आगे में आपको ये खैरन टोली दिख जा रहा है, उसी के जस्ट पीछे में बीच महल्ला है, जो यहाँ पे से नज़र नहीं आ रहा है, वरना इसके बाद खैरन टोली के और आगे जाइएगा तो बीच महल्ला जिसको बोलते हैं। और फिर बगल में ऐसा पेड़ पौधा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा पेड़, सागवान का पेड़ है ये। हम लोग का सबसे पुराना घर ये है, पहले हम लोग इस घर पे रहते थे, ये अल्बेस्टर वाला घर पे पहले हम लोग रहते थे। उसके बाद फिर हम लोग ये जो सामने वाला जो ढलाई घर दिख रहा है, फिर हम लोग उसमें रहते थे। पहले ये वाला बना था तो हम लोग इसमें रहते थे, इसके बाद यहाँ रहते रहते वो वाला बना तो हम लोग उसमें चले गए थे, उसमें रहते थे फिर हम लोग। और अभी हम लोग ये नया घर जो बना है, अब हम लोग इसमें शिफ्ट हो गए, हो गया 3-4 साल हो गया यहाँ पर हम लोग का शिफ्ट हुआ। और ये जो अभी ये जो दिख रहा है आपको अल्बेस्टर वाला और वो ढलाई वाला, इसमें रेंट लगा हुआ है, इसमें भी रेंट लगा हुआ है और उसमें भी रेंट लगा हुआ है, खाली नहीं है, रेंटर लोग रहते हैं। और किसी को रेंट का ज़रूरत है तो बताइएगा हमको, कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिएगा, अगर किसी को रेंट का ज़रूरत है तो हम देंगे उसको रहने का जगह, और वो भी बहुत ही कम पैसों में। लेकिन हम लोग जब नीचे रहते थे तो नीचे में बहुत ही मज़ा आता था, जब से ऊपर में आए हैं ना तो ऊपर में वैसा मज़ा नहीं है, जो मज़ा नीचे में था वो मज़ा ऊपर में नहीं है। नीचे में रहते थे तो जब मन करो बाहर निकल जाओ, आंगन में बैठ जाओ, है ना, कुआं भी बगल में था, ठंड के दिनों में धूप में बैठ सकते थे, अच्छा लगता था। लेकिन ऊपर आने का मतलब ये हुआ कि ऊपर एक बार सीढ़ी चढ़ जाओ तो रूम में ही बंद रहो, आलस की वजह से, कोढ़ीपन की वजह से नीचे भी नहीं उतर सकते, धूप भी बहुत कम पड़ता है, नीचे रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था। अभी हम आपको इसके ऊपर से चढ़ करके दिखाते हैं कहाँ तक दिखता है, ठीक है।
देखिए अभी हम नीचे थे, अभी ऊपर आ गए। सामने में कुछ नज़र आ रहा है आपको? ये पेड़ की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोने में जो दिख रहा है ना, वो कोने में वहाँ पे डीएवी स्कूल है। काफ़ी स्पीड में घर सब बन रहा है ना आज के डेट पे। आबादी बढ़ रहा है बहुत स्पीड में, और जितने स्पीड में आबादी बढ़ेगा जाहिर सी बात है घर भी बढ़ने वाला तेज़ी से। समय में ज़मीन भी नहीं मिलेगा, और अगर ज़मीन मिलेगा भी ना तो पूछो मत रेट कितना रहेगा। अभी जो मैदान सब जो दिखाए हम आपको, जो खाली मैदान है वही सब का अभी ज़मीन का रेट 3 लाख रुपये डिसमिल, 4 लाख रुपये डिसमिल। आने वाले समय में तो फिर पूछो मत क्या होने वाला है। कोई सा भी ज़मीन 10 लाख से नीचे तो स्टार्ट भी नहीं होगा। आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि 2000 का लीटर इधर और 2000 इधर, यानी कि 4000 लीटर पानी, समझ रहे ना? यानी कि मतलब 4000 लीटर पानी यूज़ होता है एवरी डे। तो अंदाज़ा लगा लो कितना बड़ा फैमिली होगा, है ना? इस बिल्डिंग में हम लोग किसी को रेंट में नहीं दिए, यहाँ हम लोग खुद रहते हैं। 3 तल्ला बिल्डिंग है लेकिन हम लोग खुद यूज़ करते हैं, इसमें किसी को रेंट नहीं दिए और देना भी नहीं है। वैसा जगह नहीं बचा हुआ है रेंट देने लायक, हम लोग खुद यूज़ करते हैं इसको। जो रेंटर आते हैं बस वो जो अल्बेस्टर जो दिखा आपको और सामने वाला सिंगल फ्लोर जो है उसको ही देते हैं, और इसको तो नहीं देते हैं। चलिए अब ऊपर तो चढ़ गए थे, अब ऊपर से नीचे उतरते हैं। गए हम नीचे। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोग को वीडियो, और हमारे छत के ऊपर से सिमडेगा का, बोले तो खैरन टोली का नज़ारा। हाँ, ये पेड़ की वजह से जो है ना, ये पेड़ की वजह से सामने का सीन नहीं नज़र आ रहा है ना, क्योंकि सामने ही बस्ती है। ये मेरा घर लास्ट है, मेरे घर से पीछे बस्ती नहीं है, इधर ही बस्ती बसा हुआ है। लेकिन ये पेड़ की वजह से बस्ती नहीं दिख रहा है, वरना बहुत ही क्लीन दिखता था पूरा बस्ती सामने वाला, पूरा भरा हुआ दिखता था। और ये जो अभी हम जिसके ऊपर चढ़े थे ना सीढ़ीगढ़, उसके ऊपर से तो और भी ज़बरदस्त दिखता था, लेकिन सामने में पेड़ बढ़ चुका है, बड़ा बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से अभी दिखता नहीं है, वरना बहुत अच्छा दिखता। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो बना रहे थे जिसके हमको तलहा नीचे से देख लिया कि तारिक चाचू वीडियो बना रहे, इसीलिए तलहा और आफिया आ गई है। हाय बोलो, हाय बोलो तलहा। ये लोग देखा कि तारिक चाचू वीडियो बना रहे छत के ऊपर से, तो नीचे से हमको देख लिया और दौड़ के आफिया और तलहा आ गई। तलहा खाना खा लिया? कितना क्लास में पढ़ता तुम बता दो तो जरा। नर्सरी में। और आफिया जी आप? क्लास 5 में। तो आज तो स्कूल छुट्टी था, तो अभी तुम लोग कहीं जाने वाली है क्या? गाड़ी में, गाड़ी उड़ी धुलने गया कार वॉशिंग सेंटर में, कहीं जा रही है क्या? ये बहुत बदमाश बच्चा है, कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में, इसको मारे या नहीं मारे। क्या जी? ओ, हमा मम्मी घर में है। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, है ना? ये है तलहा आफिया, ठीक है? और क्या बोले अब हम? मिलते नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक, नए जोश, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोल दो तला। बाय बाय।